वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। आओ तेलुगु सीखे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर। आओ तेलुगु सीखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि कमेंट जब मैं पढ़ता हूं तो मुझको पता चलता है सर हमको रीडिंग और राइटिंग नहीं आ रही है। रीडिंग और राइटिंग, ये दोनों में डिफरेंस है। देखिए, रीडिंग और राइटिंग कब आएगी? रीडिंग और राइटिंग, इसके अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं। एक और पार्ट है अंडरस्टैंडिंग। थ्री पार्ट्स चल चुके, हम समझेंगे इतना लेंगे। देखिए, रीडिंग करना या रीडिंग सीखना, आप रीड कब कर सकते हो? जब आप अल्फाबेट्स आ से लेकर बंडीरा तक, रौती तक, गुणिंदवल का से लेके कहा तक, सिर्फ ये कर रहा हूं, पूरे जितने भी मंडी रहा आल, उसके बाद वक्तुल का वक्त या वक्तुल, ये तीनों भी चीजें अगर आप परफेक्ट है, देखते ही आपको समझ में आ रहा है अरे ये वर्ड ये है, मैं कहा या लिखो तो आपने लिख दिया या, चलो या, रा मैंने कहा रा लिख दिया, वा वा लिख दिए, क्षा क्षा लिख दिए, पा पा लिख दिए। ये कब लिख पाएंगे आप? जब आप परफेक्ट हो गए, जब आपको वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन होगी। वर्ड ही नहीं मालूम, जस्ट आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं मैं, तेलुगु समझ नहीं आती। उसका रीजन क्या है कि आई अगर पढ़ो, अगर मैंने कहा तो रेगुलर आई वो पढ़ते हुए चाहते हैं, फिर मैंने बीच में से रुका के अगर बीच बीच में पूछा नहीं बोल पाते। इसीलिए अगर आपको तेलुगु यकीनन सीखना है तो सबसे पहले वर्ड पे आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, वर्ड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। कोई भी लैंग्वेज ले लो, उर्दू इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज ले लो, जब तक आपको आइडेंटिफाई वर्ड्स की नहीं हो रही जब तक कोई भी रीडिंग नहीं सीख सकते। अब गुणिंद बोलो, आप ये का की क्या है? ये तलकट्टू दीर्घम, ये पूरे अच्छुलू है, ये सिर्फ ये आवाज आपको सीखना है, ये आवाज आपको सीखना है। ये आवाज है आपको सीखना है। अब मैंने कहा लिखो आप क्रू, क्रू लिखो बोले तो कंफ्यूज होगा, क्रू ऐसा होगा, वो लिखो बोले तो ऊ ऐसा होगा, वे अगर लिखो बोले तो ऐसा होगा, पो लिखो ऐसा। तो ये कब लिख पाओगे? जब आपने सीखा होगा, जब ने आपने परफेक्ट किया होगा। अगर आप ये दोनों, ये तीनों चीजें सीखते हैं तो आपको रीडिंग करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या करना है? पहले ये कंप्लीटली अच्छी याद करना है, छोटे छोटे वर्ड्स। ये अगर आप ये कंप्लीटली याद करेंगे तो 90% तेलुगु आपको आ जाएगी, 90% तेलुगु मैं कहता हूं। अब रहा रीडिंग, छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के सीखना, छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के अगर आप सीखेंगे तो आप धीरे 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 करते करते लॉन्ग सेंटेंस भी आप पढ़ने लगेंगे। उसके बाद राइटिंग, मैं समझता हूं बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्या मैं भी मिस्टेक करता हूं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, मिस्टेक करना हमारा फितरत है, हमारा काम। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं 100% प्रॉपर हूं, 100% करेक्ट लिखता हूं। अगर कोई कह रहा है तो समझो हमको बेवकूफ बना रहा है या अपने आप को बेवकूफ समझ रहा है, फूल समझ रहा है, क्योंकि मिस्टेक करना इंसानी फितरत है। चाहे कितने भी देख के लिखो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, लेकिन मिस्टेक्स को हम रीचेक कर सकते हैं। यहां से यहां तक एक सेंटेंस लिख दिए, उसको हम रीचेक करके कहां पर करेक्शन है उसको आसानी से हम करेक्शन कर सकते हैं, वो फैसिलिटी हमारे पास है। या लिखते वक्त अगर मिस्टेक्स नहीं आना है तो लिखते वक्त हमको क्या करना है? स्पीक करते हुए लिखना है,
बोलते हुए लिखना है। एक आंसर हम लिख रहे हैं, वो आंसर को बोलते बोलते लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक आएगा। और दूसरा, इसमें बहुत सारे फुल स्टॉप कहाँ लगाना, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना, एक्सक्लेमेशन कहाँ लगाना, ये आपको हो सकता है कहीं कहीं मिस्टेक्स। ये तो नॉर्मल मिस्टेक है, इतना ज्यादा कोई भी आपके चेक नहीं करते। उसके बाद थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जहां तक समझता हूं 60-70% स्टूडेंट्स को रीडिंग भी आती है, राइटिंग भी आती है। रीड भी कर लेते हैं, राइटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड में प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट नहीं होता है, माहौल नहीं होता है, इसीलिए ये दोनों प्रॉब्लम होती है। अब एक छोटी सी मिसाल देता हूं, देखिए इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखने आप जाते हैं, कुछ दिन जाते हैं, एक महीना, दो महीने, 45 डेज क्रैश कोर्स, 30 डेज क्रैश कोर्स, 60 डेज क्रैश कोर्स, इस तरह कोर्स रहते हैं। अब जाते हैं, सीखते हैं, अब यूटिलाइज नहीं होती, कुछ दिनों में भूल जाते हैं। वहां पर कुछ आप सीखे हैं तो किसी ना किसी से आके उसको बात करना चाहिए। हम क्या करते हैं, शर्मा जाते हैं, गलती आएगी तो कोई भी पकड़ लेगा तो बेइज्जती होगी। इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है, सीखने के लिए हम मरे तक भी अगर सीखेंगे तो स्टूडेंट ही हैं हम। हमारे पास जितनी नॉलेज है, हम जितना पढ़े वो पूरी 0.0000% भी नहीं है, कुछ भी हम नहीं पढ़े। अगर हम सोच रहे हैं कि हम बहुत कुछ पढ़ लिए, वो हमारे फुलिशनेस है हमारा, हम कुछ भी नहीं है। अगर गलतियां हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, पकड़ ले लो हमारी गलती, पकड़ लो या हमारी गलती को कोई निकाल लो, या हम गलत कर रहे हैं बोले लो, कोई हमको दिक्कत नहीं है, उससे हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन हमारी इंग्लिश या तेलुगु फ्लुएंट में आ जाएगी, हम नहीं निडर बात करने लगेंगे तो हमारी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, हम प्रैक्टिस करने लगेंगे। जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये हमको समझने भी आएगा। अब मैं समझ सकता हूं तेलुगु का माहौल आपको बहुत कम ही मिलेगा और तेलुगु समझने के लिए बहुत कम ही मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, तेलुगु के वीडियोस 1-2-3-4 बार आपको देखना पड़ेगा। मेरे चैनल पे हर लेसन के 6-10 कंप्लीटली अपलोडेड है, ईच एंड एवरी लेसन, और वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, और आंसर्स भी सिंपल वे में है। मैंने खुद सेल्फ बनाया आंसर्स को, बना के आपको अपलोड किया है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देखिए तेलुगु में 4 मार्क्स का होता है और 8 मार्क्स का होता है, और ये दोनों होते हैं। 4 मार्क्स का आंसर कितने लाइन में लिखना है, 8 मार्क्स का आंसर कितने लाइन में लिखना है, उतने ही लाइन मैंने लिखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर कंप्लीटली तेलुगु का पैकेज देख सकते हैं। तो आपको समझना है तो आपको क्या करना है, 1-3-4 बार वीडियो को रिवाइंड करके बार बार उसको चेक करना है, और छोटे छोटे मीनिंग्स आपको अपने नोट्स में लिखना है अगर आप यकीनन समझना चाहते हैं। देखिए कोई भी लैंग्वेज को जब तक आप नहीं समझे, जब तक आप लिख नहीं पाते, जब तक आप उनसे आंसर नहीं बना पाते, अगर नहीं समझ के याद कर रहे हैं, आपको कुछ भी तेलुगु समझ नहीं आ रहा फिर भी रट के याद कर रहे हैं, तो एक आधा घंटा, एक घंटे में सारा भूल जाओगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग उसको समझना है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है समझना है, समझे बाद क्या करना है, उसको याद करना है फिर लिख लेना है, याद करना है फिर लिखना है, याद करके छोड़ देना आपको नहीं है, तभी ये तीनों चीजें काम आएंगे। तो पहले रीडिंग सीखना है, फिर उसको धीरे धीरे राइटिंग सीखना है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग भी आप सीखना है। छोटे छोटे स्टोरीज पढ़िए, हमारे जो लेसन होते हैं कभी कभी 9th और 10th के टफेस्ट ग्रामर वाले हैं, थोड़े टफ वर्ड्स है, वो वर्ड्स के मैं मीनिंग समझाएं, वो मीनिंग्स आप लिख लीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए कोशिश से ही हल होने वाला है। अगर आप सोचते हैं मुझको समझ नहीं आती, मुझको रीडिंग नहीं आती, राइटिंग नहीं आती, इस तरह अगर वक्त जाया करोगे तो वो 6 सब्जेक्ट में भी तेलुगु एक सब्जेक्ट है आपका, अवॉइड तो कर ही नहीं सकते आप। ये नहीं बोल सकते कि मैं 10th में 5 सब्जेक्ट अच्छा लिख लूंगा, तेलुगु नहीं लिखूंगा फिर भी मैं पास हो जाऊंगा, नहीं। एक सब्जेक्ट भी फेल है तो 10th क्लास फेल है, ऑल सब्जेक्ट फेल है भी तो 10th फेल है। तो इसलिए आपको मजबूरन तो भी आपको तेलुगु सीखना और याद करना जरूरी है, ठीक है। तो ये तेलुगु सीखने के कुछ ट्रिक्स थे और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके के वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो और मोटिवेट करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।